नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह बेस्ट स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज दोस्तों हमारी जो वीडियो होने वाली है इस होम वर्कआउट सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। तो आज हम करेंगे पूरा कोर अप कवर अप करेंगे अच्छे से। तो करते हैं हमने वीडियो को स्टार्ट, कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और थोड़ा वार्म अप करना ज़रूरी है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया करके थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करनी है दोस्तों, वार्म अप करना है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जंप भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, हल्का फुल्का आर्म रोटेशन वगैरह, हिप रोटेशन वगैरह, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपनी बॉडी को हीट करने के लिए। ये था हमारा वार्म अप। अब करते हैं हम बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पुशअप का बताऊंगा। इसमें बहुत सारे लोगों को अभी तक पुशअप क्लियर नहीं हुए हैं कि किस तरीके से पुशअप्स होते हैं, तो मैं आपको वही बताता हूँ कि किस तरीके से हमें पुशअप्स करने हैं। ये प्रॉपर वे बताऊंगा, उसी तरीके से आप पुशअप्स करें। और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें नहीं आते या फिर उनसे होते नहीं है, तो मैं इसकी करेक्ट आपको वेरिएशन बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको ऐसी थोड़ा सा अपने से हाइट में एक सरफेस चाहिए जिस पर आप पुशअप कर सकें। पुशअप में दोस्तों आप पैर कैसे भी रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं, नैरो ग्रिप में रख सकते हैं, फुल वाइड भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आपको इस तरीके से पुशअप करने होते हैं, इस तरीके से आपको अपनी बॉडी आपको आगे लानी है और चेस्ट का लोअर पार्ट आपको टच करना है। अगर आपसे इतना नहीं होता तो आप इसमें हल्का सा इस एंगल में कर सकते हैं, इतना डीप जाएं आप। अगर आपसे नहीं होते तो इतना डीप आपको जाना है, इतना डीप। और इसमें ये मूवमेंट नहीं करनी दोस्तों, ये मूवमेंट नहीं करनी है। चेस्ट को आपको थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाना है और एल्बो को अपने अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ नहीं। ये स्पाइडरमैन नहीं बनना आपको दोस्तों, आपको प्रॉपर वे में करनी है। आप ऐसे अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो 1.5 से 2 हफ्ते में आपके पुशअप्स की लेंथ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, आप थोड़ा और डीप जा सकते हैं उसमें। तो ये हो गई हमारी पुशअप्स की बात। तो दोस्तों ये थी इसकी फुल वेरिएशन। अब मैं आपको इसकी हाफ वेरिएशन बताने जा रहा हूँ। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनसे फुल वेरिएशन नहीं हो पाती है, उसमें लेडीज वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उनसे हो नहीं पाती। तो वो इस तरीके से पहले अपना सरफेस को आप पूरा प्रॉपर इस तरीके से ही रखें। अब क्या करना है आपको, अपनी नीज को इस तरीके से नीचे छोड़ देना है और इसी वे में जाना है। और इसमें भी ध्यान रखना आपको बाहर की तरह वाइड नहीं करने आना, इतना बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करना। इसमें क्या होगा आपके फोर आर्म्स और रिस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। इसको अंदर की तरफ रख के चेस्ट आउट करके नेक थोड़ी सी डाउन करके और इस तरीके से आपको जाना। अगर आप इसमें भी नहीं कर पाते इतना, तो पैरों को इस तरीके से ऊपर की तरफ रख सकते हैं और इस तरीके से इतना ही आपको जाना है स्टार्टिंग में। 8 से 10 दिन आप इसे लगातार करेंगे तो आप और लेंथ इंक्रीज अपनी कर सकते हैं। फिर आपको एक पैर पे करना है इस तरीके से। अगर आप एक बार ही करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और इसे दोस्तों लगातार करना है आपको, इस पुशअप्स को आपको लगातार करना है 10 से 15 दिन। जिनसे पुशअप्स नहीं होते मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ईजिली पुशअप्स होना शुरू हो जाएंगे। 2 से 3 पुशअप्स आप ईजिली कर पाएंगे विदाउट सपोर्ट। तो आप कर लेते हैं स्क्वाट्स। दोस्तों ये थे फुल और हाफ वेरिएशन। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो हाफ अगर वेरिएशन करता है तो उसको 3 सेट लेने हैं दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि आपसे पहले फर्स्ट स्टेप में कितने हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट सेट में आपसे कितने हो रहे हैं। कोशिश करना आपको 8 से 10 जाने की, फुल कोशिश करनी है। उसके बाद आपसे धीरे धीरे कम होंगे 6 से 7। तो इस तरीके से आपको 3 सेट लेने हैं। अब 10-12 के तो आप ट्राई करें, अगर आपसे नहीं हो पाता तो 6 से 7, 5, 7 इतने पुशअप्स आप करें। और जो फुल वेरिएशन वाले अगर आप करते हैं तो आप इसमें से 20-20 के 3 सेट्स लें, हर रोज करना है। अगर आप जिम में भी जाते हैं तो आपको मॉर्निंग में ये करना ही है। जब आप अपना वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करते हैं तो आपको 60 पुशअप्स करने ही है। आपके धीरे धीरे लेंथ भी इसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, आपकी मसल भी ग्रो अप होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पुशअप्स करना है कि नहीं करना। तो दोस्तों ये बेसिकली वार्म अप में आती है एक्सरसाइज, तो पुशअप्स रेगुलर करना है। पुशअप्स और स्क्वाट्स और पुलअप्स रेगुलर करने हैं, चाहे आप जिम में करते हो, घर पे करते हो। तो ये 3 एक्सरसाइजेज जो हैं कंपलसरी हैं, ये वार्म अप में भी आती हैं और स्ट्रेचिंग में भी आ जाती है। दोस्तों आज की जो एक्सरसाइज है इसमें बताने जा रहा हूँ मैं, अभी एक सुपर सेट होगा, मतलब 3 टाइप के सुपर सेट चलेंगे उसमें। तो अभी सबसे पहले उसमें करनी है हमें बर्फी और उसके साथ करनी है हमें जंपिंग जैक्स। तो हमें 10 बर्फी करनी है और 50 जंपिंग जैक्स, ऐसे करते ड्रॉप करते हुए जाना है। फिर 8 बर्फी करनी है और हमें 40 जंपिंग जैक्स। फिर 6 बर्फी करनी है, 30 जंपिंग जैक्स। फिर आपको 4 बर्फी करनी है, 20 जंपिंग जैक्स। फिर लास्ट आपको 2 बर्फी करनी है, 10 जंपिंग जैक्स। कुछ इस स्टेप से करना है। देखिए ये रखा हमने हाथ अपना थ्रो आउट किया, बॉडी आगे की तरफ, पैर अंदर लिए एंड जंप। ये बर्फी है दोस्तों, ये आपको करनी है 10। और इसके बाद आपको जो जंपिंग जैक्स, पूरा हाथ टच हो जाएगा इस तरीके से, पैर नीचे। जब ऊपर हाथ खुलेंगे तो पैर भी खुलेगा, हाथ नीचे आएंगे तो पैर भी। पर ये करना है आपको 50। ठीक है दोस्तों, एक एक्सरसाइज ये होगी। इसका कंटिन्यू सेट है दोस्तों, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, आपको इतनी स्वेटिंग होगी और इतना ज़्यादा आपका फैट लॉस होगा, आपको खुद ही रिस्पॉन्स मिलेगा आपकी बॉडी में। ये एक ही सेट करना है दोस्तों, एक ही बारी में। अब कर लेते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों। ये है वाइड माउंटेन क्लाइंबिंग, एक होती है अंदर की तरफ नैरो माउंटेन क्लाइंबिंग, ये है वाइड इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये आपको 10 करने हैं और इसके साथ साथ हाई नीज आपको 20 करने हैं।
इस तरीके से आपको 3 सेट करने हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कहीं पर भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं अपनी दूसरी, तो अभी करनी हमें अपनी तीसरी एक्सरसाइज। तो कुछ स्टेप्स है, इनर सीजर, ये आपने आउट सीजर तो बहुत करी होगी, ये इनर सीजर है दोस्तों, इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से आपको कर लेना है। ये आपके काफ का और इधर हैम्स का सर भी निकालता है। इसके साथ साथ ही जो दूसरी एक्सरसाइज चलानी है हमें, वो कुछ इस टाइप से, ये 1 2 3 4 5 6 ये है दोस्तों मंकी जंप। ये भी आपको 3 सेट ही करने हैं, इस साइड 20, इस साइड दोनों साइड आपको 20-20 करने हैं, मतलब टोटल के 120 हो जाएंगे। और जो अभी सीजर करी थी हमने, उसमें 30-30 के आपको 3 करने हैं, टोटल 90 हो जाएंगे। ये दोनों एक्सरसाइज एक साथ कंबाइंड करके करनी है। अब कर लेते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज। तो कर लेते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज, कुछ इस टाइप से होने वाली है। यहाँ पे आपको हाथ रखना है इस तरीके से, 1 2 3 4 सेम इस साइड से भी आपको इसी तरीके से करना है, 1 2 3 4 दोनों साइड आपको दोस्तों 20-20 के 4 सेट लगे, 4 सेट लगाने हैं, जिसमें कि आपको 120 रेपिटेशन के करीब आपके आएंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज जितनी भी बताई, ये सारी सुपर सेट एक्सरसाइज है, इन्हें एक साथ ही करना है। मतलब एक सुपर सेट जो आप करते हैं उसके बीच में आपको रेस्ट नहीं लेना, जब अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। दोस्तों आज की हमारी लास्ट जो एक्सरसाइज है वो एब्स के लिए होने वाली है, तो ये भी सुपर सेट है। पहले मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसके रेपिटेशन बताता हूँ। इस तरीके से आपको अपनी बॉडी रख लेनी है, फर्स्ट 1 स्लो में टच करना है, 2 फिर दोनों पैर एक साथ और दोनों हाथ एक साथ, 3 फिर से 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से दोस्तों आपको ये एक्सरसाइज कर लेनी है। इसमें दोस्तों आपको दोनों पूरा एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन मिला के टोटल आपको 60 करने हैं। काफ़ी टफ हो गया आपके लिए अभी स्टार्टिंग में, लेकिन इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, आपके जो कोर वगैरह है अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा वर्कआउट यहीं पे समाप्त होता है। ये हमारा इस हफ्ते का लास्ट वर्कआउट वीडियो था होम सीरीज वर्कआउट का। तो इस वर्कआउट को आपको फॉलो कब तक करना है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों देखिए, वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े से फिट हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो आपको इसे बीच में ड्रॉप भी करना पड़ेगा, इसी कोई कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फैट लॉस भी मसल लॉस भी होना शुरू हो जाएगा आपका। तो इसका एक प्रोग्राम है कि आप इसे लगातार, जब अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 1 मंथ आप इसे करें, मतलब कि 28 दिन तक का वैसे है शेड्यूल, तो आप इसे 30 दिन तक कर सकते हैं। कभी कभार कोई छुट्टी कर सकता है तो इस वजह से वो शेड्यूल अनबैलेंस हो जाता है, तो आप इसे 30 दिन तक का कर सकते हैं। तो दोस्तों और दोस्ताइनों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के रूप में अपना प्यार दे दें, कमेंट के रूप में अपना पैसे दे दें, और लाइक के रूप में आप जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। तो तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।